नमस्कार, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली और उसकी अच्छी खासी लंबाई यहाँ पर पूरी तरीके से विराजमान है। सूर्य के पहले पर्व तक आपकी उंगली पहुँच गई है और थर्ड पर्व पर ये कट जो मौजूद हैं ये थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन को दर्शाते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके दिमाग के अंदर जो थोड़ा सा बांटने वाली बातें हैं दिमाग को, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट्स को बांटने वाली जो चीज़ है उसको दर्शाती है। अच्छी बुद्धि है, इसका इस्तेमाल कीजिए, टारगेट से अपने भ्रमित मत होइए। आगे बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, यहाँ पर सूर्य की उंगली देखता हूँ तो अच्छी खासी सूर्य उंगली, यानी परिवार से स्थिति मजबूत, साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिलाकर के जीवन में ऊँचाई प्राप्त करने के जो उंगलियाँ चाहिए उंगलियाँ आपके पास में मौजूद है। ये बीच की उंगली के बीच में जो गैप है, ये सूर्य और शनि की उंगली के बीच का जो गैप है, ये आपको अपने जीवन के अंतर्गत जब आप अपनी परिपक्वता की सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे तो यदि आपके पास पैतृक संपत्ति है तो उसमें कुछ विवाद का सामना करना पड़ता है, यदि दो भाई बहन हो तो इस तरह का समझ लीजिए, और यदि मान लिया ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति चाह कर भी घर वालों से दूर हो या किसी और कारण की वजह से या पत्नी की वजह से कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर माता पिता की अपनी इच्छा अनुसार सेवा नहीं कर पाता है। आइए शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। हल्का सा टर्न शनि की उंगली के अंदर यहाँ आपका बृहस्पति की उंगली की तरफ है, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ अच्छी खासी बुद्धि है और नीचे का ये कट जो है इतना अपने धन को आने वाले समय में अपने धन को किसी को देना, वरना आपको वापस धन आपका लौट कर मुश्किल से मिलेगा। अब बात करते हैं मेहनत करके, मेहनत के अनुसार तो आप अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को तो प्राप्त कर ही लेंगे। यहाँ बृहस्पति की उंगली, ज्ञान की उंगली और बिल्कुल इसका टर्न जो हो गया है वो हो गया है यहाँ पर शनि की उंगली की तरफ। जब इस प्रकार का जब व्यक्ति के पास टर्न होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा धन कमाने की, यानी बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करने की इच्छाएँ होती हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ईश्वर के प्रति भक्ति को भी दर्शाता है। लेकिन छोटा सा गैप उंगलियों के बीच में आ रहा है जोड़ने के बाद, ये पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध का पर्वत ज्ञान का पर्वत, साथ ही साथ यहाँ खड़ी हुई रेखाएँ, यहाँ दो से तीन रेखाएँ अभी आपके हाथ के अंदर खड़ी हैं। उम्र आपकी बहुत कम है, 24 साल की एज है, और इसके बाद भी यहाँ रेखाएं खड़ी होंगी, यानी जितनी रेखाएं यहाँ गहरे रूप से खड़ी होती चली जाएंगी उतनी रेखाएं आपके जीवन के अंदर आपको संतान सुख देंगी और धन के आगमन को तेज बनाएंगी। सूर्य पर्वत की बात कर लेते हैं। सूर्य का पर्वत, और सूर्य पर्वत पर जब देखते हैं तो बहुत सारी रेखाओं के बारे में आपने कहा है कि सूर्य पर्वत पर एक प्रकार का ये जंजाल सा बना हुआ है। ये आपके पढ़ने का तरीका है, ये जंजाल नहीं है। जो शनि पर्व से रेखा आती है वो कहती है मैं मेहनत कराऊंगी आपको अपनी ऊंचाइयां बनाने के लिए। जो सीधी रेखा खड़ी होती है वो कहती है कि मैं यहाँ से बुध पर्वत की तरफ मुड़ रही हूँ, मैं आपके दिमाग में दूर दूर के लोगों को जुड़वाऊंगी और उनसे आपको धन दिलाऊंगी। और ये तीन रेखा जो ऊपर की तरफ खड़ी हैं ये कहती हैं जिंदगी में यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, दूर स्थानों से भी जुड़ना पड़ेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये एक अच्छा सिंबल है यहाँ पर, इसको कहीं फ्लैग भी पढ़ सकते हैं आप थोड़ा बहुत, या किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का चिन्ह नहीं है। जैसे नीचे मान लीजिए ये हल्का सा आप एक हल्के सी ये ब्रैकेट्स है, चतुर्भुज जो बन जाता है छोटा सा, और वो यहाँ पर जब बनता है सूर्य स्थान पर, तो ऐसा व्यक्ति लोगों से जुड़ करके अपने जीवन के अंदर काफ़ी संपत्ति कमाता है। तो यश मान सम्मान जो आपके काम के द्वारा आपको मिलेगा वो चिन्ह मौजूद हैं। ये बात कर लेते हैं इसके बाद में हम सीधे सीधा धन के पर्व की। उम्र अभी आपकी कम है, बहुत सारे चिन्ह बनने वाले हैं, लेकिन एक पक्की रेखा अभी से ही मौजूद हो गई। जब एक पक्की रेखा जाकर सूर्य शनि पर्वत तक सीधा सीधा पहुंच जाती है और ये विकट एंगल भी क्लियर बन जाएगा बाद में आपके जीवन में बढ़ते बढ़ते आगे को, तो ये आपके जीवन के अंदर विष्णु चिन्ह है, यानी जिंदगी में यश मान सम्मान धन सब कुछ आपके पास 55 साल के बाद बहुत अच्छे स्तर का होगा। अब बात करता हूँ बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है पत्नी से सुख के लिए, संतान से सुख के लिए। यहाँ पर कोई विशेष प्रकार के चिन्ह नहीं है अभी जो गहरे रूप से मुझे दिखाई दे रहे हों, ऐसा आपके किसी हाथ से मुझे नहीं मिला। लेकिन पर्वत जब अनुकूल होता है तो संतान का सुख भी मिलता है, साथ ही साथ व्यक्ति का अपने जीवन के अंदर अपना भवन भी होता है, अपना मकान स्वयं बना पाता है।
चलिए हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा और हृदय रेखा को जब मैं देखता हूँ तो यहाँ से हृदय रेखा आपके इस तरह के जाकर शुरू में कुछ डबलिंग बनाती है, थोड़ी सी हल्का सा नीचे को देखती हुई कुछ डबलिंग बनाती हुई रेखा शुरू में हृदय रेखा। जब इस प्रकार की हृदय रेखा डबलिंग बना करके चलती है तो विवाह में देर बनाती है, यानी कुल मिलाकर के 28 से 31 वर्ष के बीच में मैंने ऐसे व्यक्तियों के विवाह में देरी देखी है। साथ ही साथ हल्की हल्की रेखाएँ हृदय रेखा पर जब नीचे की तरफ गिरती हैं तो कितनी बार मन के अंदर परिवर्तन जैसी योजनाएं चलती रहती हैं, यानी कि आपके दिमाग में कभी व्यापार चलेगा कभी बिजनेस चलेगा, इस तरह की बातें होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो हृदय रेखा कुल मिलाकर के यहाँ अच्छी है, अभी मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दिया कि इसके अंदर कोई बीमारी का बड़ा योग है। अब चलता हूँ मैं आपके सीधा सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत साहस के पर्व के रूप में माना जाता है। इससे निकलने वाली रेखाएं जब व्यक्ति के पास होती हैं और वो सूर्य पर्वत तक पहुंच गई है टूट टूट करके, तो इसका मतलब ये हुआ आप अपने जीवन में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपने मेहनत पूरी तरीके से की तो इसमें कोई शक नहीं, आप जो कह रहे हैं अपने वो सीए वाले काम के लिए उसके द्वारा आप राज्य सरकार में भी चयनित हो सकते हैं, यानी सरकार के उपक्रम में भी आप नौकरी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी रेखाएं मेहनत की यहाँ पर मिली हैं, जो भाग्य रेखा से भी जुड़ी, जो सूर्य पर्वत तक भी पहुँची, जिनका संबंध धन पर्व से भी बना। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर दिखलाई दिए। तो मेहनत करने वाले व्यक्ति का हाथ है। सेकंड पर्व की बात कर रहे थे, मंगल पर्व सेकंड जो होता है उस पर दिखाई देती हैं रेखाएँ झगड़े झंझट मुकदमे, इन चीज़ों की रेखाएँ दिखलाई देती हैं। यहाँ जो आपको मंगल रेखा दिखलाई देती है वो मंगल रेखा जो छोटी सी एक मंगल रेखा है वो इस बात के लिए नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई झगड़े झंझट मुकदमे मिलेंगे। इसका मतलब भी एक प्रकार से यही होता है, ये कुछ चंद्र पर्वत पर है, ये मंगल पर्वत पर है नहीं मेरे हिसाब से। तो कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा सा आपको यात्राएं कराएगी जीवन में, इस तरह का ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का मुकदमा झगड़ा झंझट एनी कोर्ट केस कुछ भी नज़र नहीं आता अभी। तो अब बात करते हैं हम आप पर चलने के बाद सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा पर। बुद्धि रेखा छोटी मछली से बनकर के बुद्धि रेखा का उदय, और कुल मिलाकर के हल्के हल्के रूप से ये पहुँच रही है आपके यहाँ मंगल पर्व तक, यानी कुल मिलाकर के फिर दोबारा से एक इन्वॉल्वमेंट मिला कि यदि आप पूरी तरीके से दिमाग से मजबूत होकर चलेंगे तो आपको राज्य सरकार से संबंधित जॉब भी मिलेगी या बहुत अच्छी कंपनी के अंदर। जब मैं बहुत अच्छी कंपनी की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पैकेज जो बात करता हूँ उसके अंदर कम से कम महीने की 3 से 4 लाख रुपए की सैलरी कम से कम इस टाइम पर आ रही है। तो वो योग आपके हाथ के अंदर है, अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर निश्चित रूप से वहाँ से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो ये अच्छा खासा यहाँ बुद्धि रेखा आपके पास। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके में चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर अभी यहाँ पर इस प्रकार की यात्रा दिखाई नहीं देती कि कोई विदेशों की यात्रा यहाँ पर भी दिखाई नहीं देती। अभी तो सिर्फ योजनाओं की रेखा है, जो खड़ी हुई रेखा है ये योजनाओं की रेखा, यानी कि दिमाग में तरक्की की उम्मीद मन के अंदर चल रहा होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, यानी मन में चल रहा है बहुत ऊंचाई प्राप्त करनी है उसकी वजह से छोटा सा क्रोध जब आता है थोड़ा मन विचलित हो जाता है। तो घबराइए मत, आराम से चलिए, सफलता प्राप्त आपको होगी ज़रूर। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा की। ये देखिए आपकी भाग्य रेखा का संबंध भी दूर स्थान से निकला, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में जो यश है जो सम्मान है जो सफलता है उसमें कहीं ना कहीं से दूर का संबंध आकर के इन्वॉल्वमेंट हुआ। इसके साथ में यहाँ मैं थोड़ी सी अगर पढ़ूँ तो इसको व्यापारिक रेखा नहीं मानिएगा, ये भी एक तरह की बुद्धि रेखा ही है। तो यहाँ इस प्रकार की यहाँ पर ये बुद्धि रेखा यहाँ बुद्ध पर्वत पे जाके जुड़ गई आपकी बुद्धि रेखा के साथ में, यानी योजनाओं के द्वारा बुद्धि से सफलता प्राप्त करना दूर स्थानों से ये संकेत। साथ ही साथ शुक्र पर्वत से जब रेखा निकल के आती है तो ऐसा व्यक्ति आपका तो मुझे बताया आपने सीए कराया, लेकिन जब इस तरह शुक्र पर्वत से निकल करके आती है तो जैसे आप अपने कार्य बोल रहे हैं खाद सीमेंट रेत इनका कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं होता। तो कुल मिलाकर यहाँ संबंध होता है तो वो होता है शुक्र के काम, यानी कि अकाउंट है सीए है अकाउंट के कार्य हैं। साथ ही साथ अगर काम है तो बनता है वो एक तरह से जो
जो इसके जो फैशन डिजाइनिंग के काम होते हैं उनसे संबंधित, या कपड़े के काम, या कपड़े का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उस तरह का काम यहाँ पर दिखलाई बनता है। जिस तरह का आप काम कहते हैं उस तरह का काम नहीं बनता। तो कुल मिलाकर के आप बिल्कुल निश्चित रूप से, अभी तक भी वो सीए वाली ही बातें सामने मुझको आई। तो चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद आपके सवालों की, फिर बाकी रेखाओं की। विवाह रेखा सूर्य पर्वत पर जंजाल, चलिए विवाह रेखा के बारे में बात करता हूँ। जो विवाह रेखा आपको ये दिखलाई देती है, इस विवाह रेखा का केवल इसी पर्वत से निर्णय करने वाले मूर्ख व्यक्ति होते हैं। जो आपने मुझे दूसरा मानचित्र बना करके भेजा, उसमें मैंने देखा कि एक रेखा, दो रेखाएं आपस में कट रही हैं, निश्चय इस तरह से उड़ रही हैं, कुछ मुड़ रही हैं, कुछ तोड़ रही हैं, जो इस तरह की रेखाएं जो आपको दिखलाई पड़ रही हैं, वो उन रेखाओं का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि विवाह में देरी, झगड़ा नहीं पत्नी से, झंझट नहीं, वैवाहिक जीवन सुखी, टूटेगा कहीं भी नहीं आपका विवाह, ये सब चीज़ें विवाह में लेट के संकेत दिखते हैं। हो सकता है कुछ प्रेम संबंध भी चले, तो वो प्रेम संबंध विवाह में तब्दील ना हो, इस प्रकार के संकेत हैं। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। विवाह सूर्य पर्वत का जंजाल बता चुका मैं आपको। आपने कहा करोड़पति, बिल्कुल निश्चित रूप से करोड़पति, अभी आपके हाथ पर बहुत सिकाए और भी बनने वाली हैं, लेकिन आज ही आपके हाथ के अंदर मौजूद है करोड़पति का योग, यानी निश्चित रूप से करोड़पति आप बनेंगे। मान सम्मान प्रसिद्धि, बिल्कुल निश्चित रूप से मान सम्मान प्रसिद्धि सूर्य पर्वत अनुकूल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जॉब और बिजनेस दोनों, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप अगर अपने टारगेट पर यहीं एक जगह ना हो भ्रमित तो ज़्यादा अच्छा है। आप केवल और केवल अपने टारगेट पर रखिए, क्योंकि वो टारगेट आपको करोड़ों करोड़ों रुपए आपको दिलाने वाला है, और आप बहुत बहुत दूर तक यह सम्मान सम्मान पहुँचाने वाले हैं। तो अभी बिजनेस रेखा कोई मजबूती के साथ नहीं बनी, कोई बाद में बन जाए तो मैं कहता नहीं, तो यहाँ अभी तो उनका संबंध जो बना है रेखा का बुद्धि रेखा के साथ, तो वो तो बताता है कि आप पढ़िए, और पढ़ने के द्वारा आपको बहुत या सम्मान और अच्छी बहुत बढ़िया जॉब मिलने वाली है। तो अभी मेरे हिसाब से खाद सीमेंट रेत ये काम मेरे हिसाब से नहीं बनता, यदि पैतृक काम है तो इसको कर सकते हैं। कोर्ट केस कोई नहीं है। हेल्थ की बात करते हैं, हाँ थोड़ा सा मैं हेल्थ के बारे में जरूर इस की चिन्ह की वजह से मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। आप इसे मछली समझेंगे, ये मछली का चिन्ह नहीं है, ये रोग का चिन्ह है। जब ये रोग का चिन्ह इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ, अधिकतर तो मैंने देखा है पेट से संबंधित रोगी होते हैं, तो थोड़ा सा बस रोग की अपनी देखभाल में रहिए, कोई दिखाई दे आपको परेशानी तो डॉक्टर से मिल लीजिए, तो बहुत बड़ी बीमारी का कोई योग नहीं। बात करता हूँ आपके यहाँ मंगल रेखा की। मंगल रेखा संजीवनी रेखा 22 वर्ष से लेकर के और लगभग 45 वर्ष तक आपको सब मुसीबतों से निकलने वाली रेखा यहाँ मौजूद है। इसके बाद में बात करेंगे आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। यदि तो आयु रेखा बहुत ही सुंदरता के साथ में आपके हाथ के अंदर बनी हुई आयु रेखा यहाँ पर जा रही है 80 वर्ष तक, तो आयु रेखा भी बहुत सुंदर है। अंगूठे के बारे में बात कर लेता हूँ। ये अंगूठा है आपका तर्क शक्ति के लिए अंदर जाना जाता है। शुक्र पर्व को यदि देखता हूँ तो वो शुक्र पर्वत, और अगर हल्का सा ये काला चिन्ह यहाँ पर है, ये पैन का चिन्ह लग रहा है, तो यहाँ शुक्र पर्वत है, तो वो शुक्र पर्वत इच्छाओं वाला शुक्र पर्वत है, यानी कि बहुत ज़्यादा मन में इच्छा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचा मान सम्मान मिले, तो उस प्रकार का कोई बुरा अंगूठे पर चिन्ह नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई बुरी बात कह सकूँ। तो वो उसके बाद राहु चिन्ह की बात कर लेता हूँ। राहु पर्वत की, राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई भी लॉटरी योग नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर बाजार से, यहाँ से कहीं से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। ये रेखाएं जो आपके हाथ के अंदर जा रही हैं, ये लगभग सबसे पहली प्रकृति की रेखा आपके हाथ के अंदर जो है ये है लगभग 32-33, और ये इसके बाद एक दूसरे प्रकृति की चिन्ह जो आपके हाथ के अंदर बना हुआ है ये है लगभग जा कर के आपका 39-40 के पास में। तो यहाँ पर दो जगह अभी बहुत अच्छी खासी तरक्की आपको मिलेगी, वो रेखाएं मैंने आपको ये बताई हैं। तो राहु और केतु पर्वत नीचे देखते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि कोई सर्जरी चिन्ह मैं यहाँ पर बोल सकूँ। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ साधना भी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो चलिए मैंने आपकी सारी रेखाओं को बताया, अब मैं बताना चाहूँगा आपके जीवन में आप क्या करें जो आपके जीवन में तरक्की उन्नति आपको मिले। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिए जिससे आप भ्रमित ना हो व्यापार की तरफ।
आप सिर्फ एक ही टारगेट की तरफ चलें और उन्नति प्राप्त करें। तो चांदी में एक बेहतरीन सा पन्ना पेन ही आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको सैंपल दिखला कर बनवा कर पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपनी पूजा में सिर्फ और सिर्फ दो पूजा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हरियाली से संबंध रहें, बुधवार के दिन हर गायों को हरा चारा खिलाएं, या गणेश जी का ध्यान करें, या संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें। और एक पूजा नियमित आपको जोड़नी है, वो है आदित्य हृदय स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत अपनी पूजा में रोज़ जोड़ लीजिए और संकट नाशन गणेश स्रोत। बस, जीवन में आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।